आज का जो टॉपिक है आपका वो है आपका आईएसओ क्वांट का और आपका प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपने देखा, हमने जब इंडिफरेंस का पढ़े थे वहाँ पर देखा था कि जब कोई कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम पर, गिवन इनकम से दो कमोडिटी को इस तरीके से खर्च करता है कि उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले, यहाँ पर भी जो है आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, जो भी आपके पास कैपिटल और लेबर के उन सारे कॉम्बिनेशंस को यूज़ करेगा जहाँ पर आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिले। मैं क्या बता रहा हूँ, जो आपका आईएसओ क्वांट कर्व है, आईएसओ क्वांट का मतलब क्वांटिटी, ठीक है, आई इंडिफरेंस क्वांटिटी जो कर्व है आपका, वो आपको क्या बताएगा, वो आपको ये बता रहा है कि ये उन सभी कॉम्बिनेशंस को बता रहा है जहां पर एक प्रोड्यूसर को इक्वल आउटपुट मिल रहा है या सेम आउटपुट मिल रहा है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विद सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, देखिए आपके पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि आपके पास कॉम्बिनेशन ए बी सी और डी दे रखे हैं आपके पास। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि कैपिटल की 90 यूनिट आपकी यूज हो रही है और लेबर की आपकी, और आउटपुट कितना आ रहा है। अब ये इसकी दोनों का टोटल नहीं आ रहा, कभी आप कहो कि इन दोनों का टोटल ऐसे नहीं हो रहा, यहाँ देखिए, अब इसको करेंगे, इसको छोड़िए। बी कॉम्बिनेशन है कि आपने इसकी 60 यूनिट आपने यूज की और इसकी की 20, और आउटपुट कितना है आपका, कितना है 100। फिर आपका इसका 40 और इसका 30, तो ये क्या हुआ आपका 100, और फिर आपने 30 यूज की और इसकी किया आपने 40, तो भी क्या है आपका इक्वल आउटपुट आया। तो ये क्या बना आपका आईएसओ क्वांट कर्व। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। यहाँ ये आप, मैंने क्या लिखा, हाँ, यहाँ पर इनपुट आप चेंज कीजिए और आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आपका सेम आ रहा है। मैंने क्या लिखा, आईएसओ जो क्वांट कर्व है आपका, ये क्या बताता है, ये आपका बताता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विच प्रोवाइड, हाँ लिख, क्या लिख, क्या कह रहे हो, हाँ फैक्टर भी आ सकता है, विच प्रोवाइड्स इक्वल आउटपुट, इक्वल आउटपुट, ठीक है, इक्वल आउटपुट। अभी आपने जैसे वो वहाँ पर क्वेश्चंस देखा, वहाँ पर ये देखा कि जो कॉम्बिनेशन थे आपके पास, कॉम्बिनेशन क्या दे रखे थे, कॉम्बिनेशन जो ए था, यहाँ आपका लेबर लगा लो या कैपिटल लगा लो, और दूसरा आपका लेबर लगा लो, और ये आपका लिखा आउटपुट, ऐसे दे रखा था। कॉम्बिनेशन ए में आपकी दे रखी थी कि इसकी यूनिट यूज़ हो रही है इतनी 90 और इसकी 10, और आउटपुट कितना आ रहा है 100 यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग कर दिया आपने। कॉम्बिनेशन जो बी यूज़ हो रहा था उसमें कितना था, इसका तो आपका 60 और इसका आपका 20, तो ये आपका कितना बन गया था 100 ही आउटपुट, ये तो 100 ही रहना है। कॉम्बिनेशन सी में क्या था, यहाँ पर आपका और यहाँ पर आपका, तो भी आपका आउटपुट क्या आया 100, और यहाँ पर आपका जो डी कॉम्बिनेशन था वो क्या था इतना 30, और यहाँ पर तो भी आपका क्या बना 100 आउट, क्या हुआ, ये आपका ए कॉम्बिनेशन आपका जो था 90 इसकी 10 इसकी, ये भी इक्वल आउटपुट दे रही है, 60 20 ये भी इक्वल आउटपुट, ये भी, और 30 40 ये भी आपको इक्वल आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ना कुछ अजम्पशंस है, देखो वहां पर आपने उसकी भी कुछ अजम्पशन पढ़ी कि यहाँ पर क्या है, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दो फैक्टर है आपका, एक लेबर एक कैपिटल, दूसरा कॉन्स्टेंट टेक्निक है, जिस टेक्निक से आप पढ़ रहे हैं वो जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं उसी पर आप काम करोगे। फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, वन यूनिट ऑफ कैपिटल, वन यूनिट ऑफ लेबर, इस तरीके से। और वहां पर आपने एक पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना आपने, कि जैसे जैसे आप कंजप्शन कर रहे थे वैसे कम यूनिट को सेक्रीफाइस करने, यहाँ पर आप प्रोडक्ट के लिए इनपुट यूज कर रहे हो तो यहाँ वर्ड आएगा टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS, और वो भी क्या है डिमिनिशिंग रहेगा आपका, कि देखो पहले आप यहाँ पर कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो,
30, फिर आपने 20 की और फिर आपने की 10 यूनिट, ये वाली देखो यहाँ पर क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि पहले आपने 30 यूनिट सेक्रीफाइस की फॉर द सेक ऑफ 10 यूनिट ऑफ लेबर, 60-40 20 यूनिट सेक्रीफाइस की फॉर द सेक ऑफ 10 यूनिट ऑफ लेबर, और इस पर आपने 10 सेक्रीफाइस की फॉर द 10 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। और जब आपने इसको प्लॉट किया, तो जब आप प्लॉट कर रहे हो, तब आप इसको क्या कर रहे हो, प्लॉट कर रहे हो, पहले क्या था, आप एक साइड तो ले लीजिए लेबर और एक साइड ले लीजिए कैपिटल, पहला कम्बिनेशन था आपका ये 90 और दूसरा कम्बिनेशन क्या था 60 और 20, थर्ड कम्बिनेशन बताओ 40 और 30, 30 और, और जब इसको आपने प्लॉट किया तो कुछ इस तरीके का प्लॉट ग्राफ बन गया, ठीक है। इधर तो आपकी आ गई है क्या कैपिटल, और इधर आपकी आ गई लेबर, ये आपकी बनी 90, फिर आपकी बना 90 और किसका कम्बिनेशन था 10 का, कम्बिनेशन ए पर आपका आउटपुट आ रहा था 100, कम्बिनेशन बी जिस पर आपका 60 और आपका आ रहा था 20, इस पर भी आउटपुट कितना था 100, कम्बिनेशन सी जहाँ पर आपका था 40 और 30 तो भी आउटपुट कितना था 100, और कम्बिनेशन डी जहाँ पर आपका 30 और इसका था आउटपुट आपका 100 यहाँ पर आपका 40, सारे इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा था। मार्जिन रेट ऑफ डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन है टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कि जैसे जैसे आपने इसकी बढ़ाई वैसे वैसे आपको कम सेक्रीफाइस करना पड़ा, पहले यहाँ पर आपने सेक्रीफाइस किया वो किया आपका 30, फिर आपको किया 20, फिर आपने किया 10, यहाँ तो कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। प्रोडक्शन है कॉन्स्टेंट टेक्निक रहेगी आपकी, डिविजिबल फैक्टर है 1 यूनिट ऑफ लेबर 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इस तरीके से, और आपका पॉसिबिल ये क्या है पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप लेबर की जगह कैपिटल यूज़ कर सकते हो, कैपिटल की जगह आप लेबर यूज़ कर सकते हो, और कोई भी कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो और उससे आपका ही आउटपुट आया, ये वही बात है। तो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, सारे के सारे इक्वल आउटपुट को दिखा रहे हैं इन डिफरेंट कम्बिनेशन पे, ठीक है, आई बात समझ में। अब बात आई इसका जो स्लोप कर्व है वो आपका इस तरीके का ही क्यों होता है, जो इसका स्लोप कर्व होता है ये आपका इस तरीके से क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टेंट होता ना तो इस तरीके से आता, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बन जाता, और अगर इंक्रीजिंग होता मतलब ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता तो इस तरीके से, जैसे मतलब यहाँ पर 90-60 है, यहाँ पर 90-80, 80 के बाद 60 आ जाए तो इस तरीके का शेप बन जाता, तो ये आपका इस तरीके का बनेगा कन्वेक्स टू दी ओरिजिन बिकॉज ऑफ ड्यू टू मार्जिन रेट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि आप इनपुट्स को चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, कैपिटल की जगह लेबर लगा सकते हो, लेबर की जगह कैपिटल लगा सकते हो, या आप जैसे कैपिटल को कम करके लेबर को बढ़ा सकते हो, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। स्लोप आपको मैंने बता ही दिया है आपको कि ये होता है आपका मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, चेंज इन कैपिटल डिवाइड में चेंज इन, याद रखना जिसका भी गेन करोगे वो आपका कहाँ आएगा, नीचे आता है, ये बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पर भी क्या है कैपिटल, किसकी पोजीशन चेंज हो गई भाई, हाँ कौन सा क्या आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, एक तो क्या पढ़ा था आपने कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू दी इंडिफरेंस कर्व या आईसी कर्व शुड बी टेंजेंट टू दी बजट लाइन, दूसरा आपने पढ़ा कि कन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ठीक इस सेम कंडीशन इसमें है कि यहाँ पर क्या है कोस्ट लाइन आ जाएगी कि जो आपका आइसोक्वांट कर्व है वो आपको कोस्ट लाइन को टच करे टेंजेंट करे और वो क्या होना चाहिए कन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ठीक है। ये मैं बता ही चुका हूँ कि आपका कि कोई भी प्रोड्यूसर वहाँ इक्विलिब्रियम में होता है जहाँ पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर आपके कम होते हैं मिनिमम होते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं आपके मिनिमम होते हैं, ठीक है। और वो मिनिमम कहाँ पे होगा, ये दो कंडीशन है कि आइसोक्वांट का हो, आइसोक्वांट
आइसोक्वांट का हो, आइसोकोस्ट लाइन को टेंजेंट करे, ये रहा आपके पास। ये देखो ये भी आपका आइसोक्वांट का हुआ है, ये भी आपके पास है। टेंजेंट कौन सा कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ठीक है। दूसरा आइसोक्वांट का हो कन्वेक्स होना चाहिए, ये भी कन्वेक्स है और ये भी कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है। इसने ये कंडीशन तो फुलफिल कर दी दोनों ने, लेकिन ये वाली कंडीशन की टेंजेंट करेगा, ये इसने ही की है, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ ऊपर वाला, ठीक है। वहाँ पर आपकी बजट लाइन थी, यहाँ पर आपकी कोस्ट लाइन है। वहाँ पर आपका इंडिफरेंस का हुआ है, यहाँ पर आपके क्या आ गए, आइसोक्वांट का। ठीक हो गई बात, आया समझ में? प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझ में आई आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक आया आपके पास एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ की कंसेप्ट जो है आपकी, ये सारे ना डिफरेंट कम्बिनेशन आपने वहाँ पर पढ़ा था, इनकम कंजप्शन का हो, उसी की वहीं से आपके ये डेवलप हो गया यार ये सारी चीज़ें। इनकम कंजप्शन का ने क्या बताया था, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये आपको क्या बताएगा, ये भी आपको ये बता रहा है कि आप डिफरेंट कम्बिनेशंस को यूज़ करें जो आपको लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन दे। ये देखो आपने इन दोनों का ये कम्बिनेशन यूज़ किया और आपकी ये आपकी कॉस्ट आई, लीस्ट कॉस्ट आई, फिर यूज़ किया तो फिर लीस्ट कॉस्ट आई, फिर यूज़ किया तो लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन आई। ये देखो ये भी आपकी आइसोक्वांट लाइन है, ये भी आपकी आइसोक्वांट लाइन है, ये भी आपकी आइसोक्वांट लाइन है, और ये आपके क्या कर्व है, कर्व है, कर्व है, सभी टेंजेंट कर रहे हैं ना, तो ये सारे क्या आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये क्या बताता है एक्सपेंशन पाथ, ये आपको ये बता रहा है कि आप जैसे जैसे आप डिफरेंट कम्बिनेशन को यूज़ करेंगे तो आपके लिए कौन से लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन होंगे। तो ये भी आपका लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन है, ये भी आपका और ये भी आपका लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन है, ठीक है। आई समझ में नहीं बात, एक्सपेंशन पाथ क्या बताता है कि इकोनॉमी जब स्केल में चेंज करने से आपके क्या क्या डिफरेंट लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन बन सकते हैं, डिफरेंट लेवल डिफरेंट कम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हो किसके, इनपुट्स के, लेबर और कैपिटल के, और आप देख पा रहे हो कि आपका इस तरीके से ये सारे के सारे लिस्ट कोस कम्बिनेशन को दिखा रहा है। आई बात या नहीं, समझ में आया भाई मैंने क्या बताया आपको? एक्सपेंशन पाथ क्या बता रहा है, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाना, और क्या बता रहा है, जैसे जैसे आप इनका रेशियोज बढ़ा रहे हो तो आपके लिए क्या क्या लिस्ट कोस कम्बिनेशन बने। अब तो यहाँ तक तीन तक बनाया, मैं और भी बना सकता हूँ, और भी बना सकता हूँ, कितने ही बना लो आप, ठीक है। ये एक्सपेंशन पाथ का होता है ये काम। और अब बात आई, अब आपकी जो बात आई रिटर्न टू स्केल और आइसोक्वांट का, दोनों अलग चीज़ थी, अब मैंने इसको इकट्ठा कर लिया। ये लो, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आ गई, ये देखो इसका गैप देखते चले जाओ, बढ़िया मिलेगा ये एज कम्पेयर टू, ये ज़्यादा मिलेगा आपको पता है इंक्रीजिंग में, उससे परसेंटेज में ज़्यादा चेंज आएगा। और आइसोक्वांट का हो आपने देखा अभी, ये लिस्ट कोस्ट कम, ये लो रिटर्न टू स्केल बताया ना आपने, इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया, सिंपल सी बात है, ये बजट लाइन यहाँ आ गई, ऐसे कर लो चाहिए इस पर, ये बजट लाइन ऐसी आ गई, बजट लाइन ये आ गई अपने पास, और इन पर आपने क्या लिख दिया, ये लो इनका कम्बिनेशन बता दिया, रिटर्न टू स्केल विद आइसोक्वांट कर्व आ गई ना, बजट लाइन भी आ गई, रिटर्न टू स्केल भी आ गई, सब कुछ इसमें ऐड हो गया। ये आपका ये गैप वाला सिस्टम आपको ठीक है, ये फैक्टर का आ गया, ये देखो इधर देखो फैक्टर का क्या दिखा रखा है, ये मेरे को ये बताओ ये लाइन स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि कैपिटल आपकी कांस्टेंट रहेगी वहाँ पर, वहाँ पर कोई भी कम्बिनेशन चलेगा, और यहाँ पर आपका क्या है इसमें चेंज, ये आपके लेबर में चेंज कर रहे हो आप, और लेबर में चेंज करने से ये चीज़ें आपके पास आ रही है ना। ये देखो डिमिनिशिंग वाली कम हो जाएगा, ये गैप पर हमें पता कैसे लगेगा, इनके गैप से ए बी ग्रेटर देन बी सी, ए बी सी तो इंक्रीजिंग है, कम आ रहा है तो डिमिनिशिंग है, कॉन्स्टेंट है तो इक्वल मिलेगा, ठीक है। एक फैक्टर कॉन्स्टेंट है भाई, रिटर्न टू फैक्टर